नमस्कार दोस्तों, मैं नील, आप सभी को स्वागत है फिर से नया वीडियो के साथ टेक्निकली यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज का जो यहाँ पे मैं वीडियो आपको करके बताऊंगा, इससे पहले पहले एक वीडियो मैंने किया कि डार्क वेब क्या है उसके बारे में मैंने समझाया है। ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके वीडियो को चेक कर सकते। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो मैं आपको एक बार सजेशन करूंगा कि आप जाके एक बार प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकली तो मैं अभी साफ तो नहीं कर पा रहा हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ तो, मगर फिर भी मैं इसको मेरे को लगता है कि इस टॉपिक को कवर अप करना चाहिए, मेरे को बताना चाहिए। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैंने पूरा एकदम प्रैक्टिकली नहीं करके मैं बस आपको एकदम डिटेल डीपली नॉलेज इसका देने वाला हूँ। हम लोग इसके प्रीवियस वाले वीडियो में बात किए थे कि वहाँ पे रेड रूम क्या है, एक डुप्लीकेट फेसबुक है, गांस डीलिंग हो गया और भी ड्रग डीलिंग के साथ बहुत कुछ वहाँ पे होता है। आज हम लोग वहाँ पे बात करेंगे कुछ फ्रॉड्स कंपनी, कुछ फ्रॉड्स वेबसाइट, इथिकल हैकिंग लेके पासपोर्ट, वीसा और ज्वेलरी, रोलेक्स वॉचेस, सारे चीजों को लेके आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसको लेके डेडिकेटेड एक फिल्म भी निकला हुआ है, आप अगर चाहे तो उसको देख सकते हैं। फिलहाल मेरे को इस वक्त उस फिल्म का नाम याद में नहीं आ रहा है, मगर इसको लेके डेडिकेटेड एक मूवी है, अगर आप यूट्यूब में जाकर सर्च करते हो तो आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कि होता है कि रोलेक्स जो कि वॉचेस है उसको लेके सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे एकदम हूबहू सेम टू सेम जो कि रोलेक्स वॉचेस है उसको आपको मिल जाएगा। हाँ, मेरे को नहीं लगता कितना ओरिजिनल है या कितना एक्चुअल है, मगर वहाँ पे मिलता है, मैंने खुद भी उसको देखा था। उसका प्राइस बहुत ही कम प्राइस में वो लोग बेचते हैं। और यहाँ पे जो करेंसी यूज होता है मैक्सिमम आप पेपल से यूज कर सकते हैं, मगर पेपल भी यहाँ पे लोग यूज नहीं करते, यहाँ पे बिटकॉइन यूज करते हैं। बिटकॉइन के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, मगर अभी जो चीजें मैंने कवरअप करने के लिए सोचा था उसको मैं पहले कवरअप कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे सबसे तो पहली बात है कि यहाँ पे ज्वेलरीज भी बिकते हैं। हाँ, एकदम सच में यहाँ पे ज्वेलरीज बिकते हैं। और उसके साथ ही साथ जो क्या होता है, यहाँ पे डुप्लीकेट पासपोर्ट, डुप्लीकेट वीसा, ऐसे बहुत से कंपनीज आप वहाँ पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने पे क्या होगा, अगर आपका एज नहीं हुआ है या अगर आपको वीसा या पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, अगर आप चोर है, बेसिकली चोर लोग यहाँ पे आते हैं, अकाउंट करते हैं और पासपोर्ट को लेकर कहीं और कंट्री या कहीं पे भी जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से बेसिकली लेते हैं वीसा या पासपोर्ट लेते हैं, पैसा देना होता है। हाँ, मेरे को नहीं पता कि कितना एक्चुअल कितना जेन्युइन है, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया है और किसी को करते मैंने देखा भी नहीं है, मगर ये होता है। वहाँ पे ऐसे जाके आप क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट, वहाँ पे जाके आप आपको सारे डिटेल्स देंगे तो वहाँ पे जाके आप उसको कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे डुप्लीकेट एटीएम कार्ड्स होता है, डुप्लीकेट एटीएम कार्ड्स आपको मिलेगा। हाँ, डुप्लीकेट में यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डार्क वेब पूरा डुप्लीकेट साइड है, यहाँ पे सारी इलीगल चीजें होता है, इसके लिए मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहा हूँ, मगर हाँ जेन्युइन आपको चीजें मिलेगा। मान लीजिए मैं आपको बस एग्जांपल के लिए बता दूं कि आपको $20,000 है एक एटीएम कार्ड में, उस कार्ड को आपको मिल जाएगा बस $2,000 में। हाँ, अगर आप $2,000 वहाँ पे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको $20,000 वाला जो एटीएम कार्ड है उसको आपको दिया जाएगा। हाँ, कितना एक्चुअल है, अगर आप पैसा भी देते हैं तो आपको मिलता है नहीं मिलता मेरे को नहीं पता है, ऐसे भी हो सकता है कि फ्रॉड हो सकता है, आपने पैसा दिया मगर आपको नहीं मिला, हो ही सकता है। मगर अगर कोई भी एक्चुअल, हाँ यहाँ पे ऐसा होता है, अगर आप एकदम एक्चुअल कंपनी के पास अगर जाते हैं तो आपको हाँ शायद मिल सकता है ऐसा कार्ड। और ऐसे करके बहुत से हैकर बहुत कुछ करते हैं। यहाँ पे बेसिकली बहुत ही फंडामेंटल चीजें होता है, जैसे कि यहाँ पे बहुत से लोगों ने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, अगर आपके पास कोई पर्सनल वेबसाइट है यहाँ पे जाके वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, मैंने देखा है, यहाँ पे जाके आप पर्सनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी इलीगल चीजें आप एक्टिविटीज कर सकते हैं। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसे करते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे आप वेबसाइट भी बनाते हो तो आप इसके लिए मुजरिम घोषित किया जा सकते हैं, तो इंडिया में से बैंड हो सकते हैं, आपको जेल तक हो सकता है, तो ऐसा एकदम मत कीजिएगा। देखने के लिए यूज कीजिए ना, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज मत कीजिए। अभी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली जो बिटकॉइन के बाद मैंने आपको किया था, बिटकॉइन एक ऐसे करेंसी है जहाँ पे अगर आप कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप वहां से कुछ परचेज भी करते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट भी नहीं देख पाएगा कि आपका करेंसी कहाँ से जाके कहाँ तक जा रहा है। बेसिकली जो हैकर थे, जो भी पैसा आपके अकाउंट से चोरी होता है या कुछ भी होता है, आपको उसका ट्रेस नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग बिटकॉइन में उसको व्यापार करते हैं। सबसे पहले आपका पैसा कैसे करके पूरा चेन सिस्टम होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपका बैंक के अकाउंट से पैसा लेगा, लेने के बाद लोग डार्क वेब में जाके किसी कंपनी के पास बिटकॉइन में उसको इन्वेस्ट करेगा। हाँ, ऐसा होता है।
आपको नहीं पता चलेगा कि अगर ऐसे कंपनीज है एक्चुअल है वहाँ पे डुप्लीकेट कंपनीज भी है। अगर डुप्लीकेट कंपनी के पास अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको पैसा पूरा नील हो गया, आपको नहीं मिलने वाला है। एक्चुअल कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो लोग कुछ परसेंट कमीशन रख के बाकी पैसा आपको बिटकॉइन में देता है। तो बिटकॉइन में जब डार्क वेब में जाके वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, बिटकॉइन में ले लिया सबसे पहले आपका जो भी बैंक का अकाउंट है, तो वहां पे बिटकॉइन के लेने के बाद वो लोग और कहीं पे जाके और कोई वेबसाइट में जाके और कोई वेबसाइट में बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। वैसा करके ऐसे चेन होते होते बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो इसके लिए पुलिस या गवर्नमेंट को जब भी वो डार्क वेब में चला जाता है तो एक्सेस नहीं मिलता है और उसका ट्रेस नहीं मिल पाता है, तो आपका पैसा ऐसे करके चोरी होता है। बिटकॉइन बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर आप इथिकल हैकिंग फील्ड में, अगर आपको बिटकॉइन के बारे में नहीं पता है, तो आप नीचे जाके कमेंट कीजिए, इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो में आपको पास पहुंचा दूंगा। फिर भी अगर आपको अभी जानना है तो आप जाके गूगल कीजिए, आपको सारी चीजें आंसर मिल जाएगा। तो इसके भी बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो करूंगा, मैं खुद करूंगा, मगर आज का जो टॉपिक है यहाँ पे मैं इसको कवर अप करने वाला हूँ, क्योंकि डार्क वेब की बहुत ही ब्लास्टेड चैप्टर, इसको लेकर अगर मैं वीडियो करता हूँ तो बहुत लंबा होने वाला है। तो यहाँ पे छोटा छोटा पार्ट करके वीडियो को मैं करूंगा। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। तो फिलहाल बस अभी के लिए इतना है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।